नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना के 8 राज्य प्रमुखों ने भी अब सीएम एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया है। इसके बाद अब शिवसेना के पास सिर्फ 2 राज्य प्रमुख बचे हुए हैं। तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही सरल तरीके से भेजा गया है। इसके लिए भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया है। वहीं हैदराबाद के भक्त ने साई बाबा को सोने के 3 कमल के आकार के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो उधर ठाणे जिले में केबल ऑपरेटर की आत्महत्या के मामले में 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सभी पर 45 वर्षीय मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इसी बीच अभिनेता रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट मामले में मुंबई पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया है। एक्टर का कहना है कि उनकी फोटोज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना के 8 राज्य प्रमुखों ने भी अब सीएम एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया है। इसके बाद अब शिवसेना के पास सिर्फ 2 राज्य प्रमुख बचे हुए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और बिहार में शिवसेना को झटका लगा है। 10 में से 8 राज्य प्रमुखों ने उद्धव गुट को नमस्कार कह दिया है। 2 दिन पहले शिंदे गुट की जो बैठक मुंबई में हुई थी, उसी बैठक में इन राज्य प्रमुखों ने सीएम को अपना समर्थन दिया था। इन तमाम राज्य प्रमुखों के समर्थकों ने भी मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि उद्धव और आदित्य ठाकरे लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहे। इसके लिए आदित्य ठाकरे ने राज्यव्यापी दौरा भी शुरू किया है, जिसमें उन्हें खासा अच्छा जनप्रतिसाद भी मिल रहा है। बावजूद इसके पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। फिलहाल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट असली और नकली शिवसेना की जंग के अलावा शिवाजी पार्क मैदान के लिए भी जूझ रही है। दरअसल शिवसेना हमेशा की तरह इस बार भी शिवाजी पार्क में ही दशहरा रैली करना चाहती है। हालांकि यह आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने का ऐलान किया है। दोनों तरफ से बीएमसी में अर्जी भी लगाई गई है। हालांकि यह पार्क किसको मिलेगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सियासत के जानकार यह भी मानते हैं कि शिवाजी पार्क का मुद्दा आने वाले समय में अदालत की चौखट तक भी जाएगा। वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सबसे अधिक आक्रामक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही सरल तरीके से भेजा गया है। इसके लिए भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया है। शिवसेना का कहना है कि यह हमारा आरोप नहीं बल्कि विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने फॉक्सकॉन वेदांत सौदे को गुजरात जाने की अनुमति दे दी है। कल वे मुंबई को भी भेज देंगे। शिवसेना का आरोप है कि फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुआत है, महाराष्ट्र के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की ओर रुख करेंगे। शिवसेना ने यह भी कहा है कि शिंदे सूरत और गुवाहाटी में अपने विधायकों को आश्वस्त कर रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, अब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है जो हमारा समर्थन कर रही है, हम जो चाहते हैं वह हमें मिलेगा। शाबाश शिंदे, आपको जो चाहिए वह मिल गया है, लेकिन महाराष्ट्र के युवाओं से उनके रोजगार के अवसर छीन लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे न केवल हमारे 40 विधायक बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात लेकर चले गए। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख बेरोजगार अवसरों के अनुमान के लिए कौन जिम्मेदार है? शिरडी साईं बाबा के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथों नहीं जाता है। मुराद पूरी होने के बाद भक्त अपने भगवान को अलग अलग भेंट चढ़ाते हैं। हैदराबाद के भक्त ने साईं बाबा को सोने के 3 कमल के आकार के फूल चढ़ाए हैं। इन 3 फूलों का वजन लगभग 214 ग्राम है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। हैदराबाद के राजीव रेड्डी ने सोने के 3 फूल अर्पित किए हैं। ये तीनों सोने के फूल कमल के फूल के आकार के हैं। फूलों पर आकर्षण नक्काशी हो रखी है। इन फूलों का इस्तेमाल रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा और महत्वपूर्ण उत्सवों के मौके पर साई मूर्ति और समाधि पर किया जाएगा। साई बाबा मंदिर ट्रस्ट शिरडी की सीईओ भाग्यश्री बनायत ने बताया कि भक्त भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, कुछ दिनों में फूल खराब हो जाते हैं, जिसको हम निर्माल्य कहते हैं, फिर उनको निकाल कर अलग रख देते हैं। लेकिन हैदराबाद के इस साई भक्त ने स्थाई फूल साई बाबा के चरणों में अर्पित किया है, जो हमेशा के लिए साई बाबा के कपड़ों में मूर्ति पर समाधि पर चढ़ाया जाएगा। इसके पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आंध्र प्रदेश के एक 57 वर्षीय शख्स ने शिरडी के साई बाबा मंदिर में 36.98 लाख रुपए सोने का मुकुट दान किया था।
ठाणे जिले में एक केबल ऑपरेटर की आत्महत्या के मामले में 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सभी पर 45 वर्षीय मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक केबल ऑपरेटर प्रहलाद नारायण पाटिल ठाणे जिले के संदप गांव में केबल का व्यवसाय करता था। ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंधारी कांडे ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने भी गांव में किसी तरह का व्यवसाय शुरू किया था। कथित रूप से सभी पाटिल को परेशान कर रहे थे। इसका सीधा असर उसके व्यवसाय पर पड़ रहा था और चाहकर भी वह इनका सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनकी योजना सुनियोजित थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 सितंबर को पाटिल ने दतिवली और नीलाजे स्टेशन के बीच तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। बाद में पुलिस को उसके घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने आरोपी व्यक्तियों को इस चरम कदम आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अधिकारी ने बताया कि पाटिल के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अभिनेता रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट मामले में मुंबई पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया है। एक्टर का कहना है कि उनकी फोटोज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। उन्होंने अपनी कोई भी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने मुंबई पुलिस को दावा किया है कि किसी ने उनकी फोटो को मार्क किया है, यानी कि किसी ने उनकी फोटो में एडिटिंग करके उसे ऑनलाइन शेयर किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले रणवीर ने न्यूड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट को लेकर एक्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। मुंबई पुलिस ने एक्टर को समन भेजा था और इस मामले में स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए कहा था। इसके बाद 29 सितंबर को रणवीर ने स्टेटमेंट दर्ज किया था। एक्टर ने उस दौरान क्या कहा इसकी जानकारी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने एक्टर को उनकी फ़ोटोज़ को दिखाया तो एक्टर ने साफ कहा कि उन्होंने इन फ़ोटोज़ को अपलोड नहीं किया है जिसने उनके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि रणवीर ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए हैं और हो सकता है कि आगे बाकी जांच के लिए उन्हें दोबारा समन भेजा जाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान रणवीर ने पूरा सहयोग दिया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कृष्णकांत ने बताया कि हमने एक्टर को 30 अगस्त तक पुलिस स्टेशन आने को कहा था। वह सोमवार को फिर सुबह 7:30 बजे आए थे और 9:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में ही रहे थे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने एक हाथी आ गया। उसने काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया तो पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी है। आज सरकार और 5 विद्रोही समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता होने जा रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के 8 दिन पूरे हुए और इधर गोवा में एक साथ पार्टी के 8 विधायक टूट गए। खास बात है कि 8 महीने पहले ही यानी फरवरी में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में नेताओं ने चुनाव के बाद दल नहीं बदलने की कसम खाई थी। तो उधर टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को कई शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इनमें कई ऐसे प्लान भी हैं जो एक साल तक चलेंगे। प्लान में आपको रोज 2.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दहलाने वाली घटना सामने आई है। गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने एक हाथी आ गया। उसने काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। खतरे को भांपते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को बचने के लिए पत्थर पर चढ़ने को कहा गया। वो काफी देर तक इसके ऊपर रहे। बाद में हाथी के वहां से हटने के बाद उतरे और काफिला आगे बढ़ा। सीएम के मीडिया सलाहकार दर्शन सिंह रावत ने बताया कि रावत अपने 6 दिन के दौरे के अंतिम दिन कल बुधवार को भारत चीन सीमा के पास ट्रैकिंग कर लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे जब उनका काफिला कोटद्वार के पास पहुंचा तब ये घटना घटी। काफिले की पायलट गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि सामने सड़क पर एक विशालकाय हाथी खड़ा था। पायलट वाहनों ने हाथी के बगल से निकलने की कोशिश की पर हाथी के तेवर देख वही थमी रही। कुछ ही देर में उनके पीछे रावत की गाड़ी समेत अन्य गाड़ियां भी खड़ी हो गई। हाथी तेजी से काफिले की ओर बढ़ने लगा। इस पर सभी गाड़ियां तेजी से रिवर्स जाने लगी। इस पर हाथी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खतरा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उतारा और बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर ले गए, लेकिन हाथी ने इनके पीछे दौड़ लगा दी। इससे बदहवास सभी लोग वहां एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे हाथी भी नाले में पहुंच गया। वो कुछ देर तक वहीं रुका रहा और चिंघाड़ता रहा। जैसे ही हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ, पूर्व सीएम समेत सभी लोग वहां कूदकर नीचे भागे और वाहनों में बैठकर सुरक्षित निकल गए। पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने की कोशिश जारी है। आज सरकार और 5 विद्रोही समूहों के बीच
त्रिपक्षीय समझौता होने जा रहा है। खास बात है कि इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कई अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनवरी 2020 में भी भारत सरकार, असम सरकार और बोडो के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय में शाम 5 बजे के बाद समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस शांति समझौते में केंद्र सरकार, असम सरकार और राज्य के 5 विद्रोही समूह हस्ताक्षर करेंगे। इनमें ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट्स ऑफ असम, बिरसा कमांडो फोर्स, संथल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपुल्स आर्मी शामिल है। फिलहाल इन समूहों ने सरकार के साथ सीज फायर समझौता किया है। खबर है कि इन समूहों के सैकड़ों सदस्य अस्थायी रूप से असम पुलिस के संरक्षण में कैंप में रह रहे हैं। इन समूहों ने करीब 1 साल पहले ही अपने काम बंद करने का ऐलान कर दिया था और तब से ही सीज फायर और शांति वार्ता जारी है। खास बात है कि 2020 बेड़ो प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के साथ ही 50 साल पुराने बेड़ो संकट पर विराम लग गया था। आंकड़े बताते हैं कि समझौते के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोंडोलैंड के 3 गुटों के कुल 1615 कैडर्स ने हथियार छोड़ दिए थे। भारत जोड़ो यात्रा के 8 दिन पूरे हुए और इधर गोवा में एक साथ पार्टी के 8 विधायक टूट गए। खास बात है कि 8 महीने पहले ही यानी फरवरी में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में नेताओं ने चुनाव के बाद दल नहीं बदलने की कसम खाई थी, लेकिन मौजूदा स्थिति बताई है कि 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदगी 3 सीटों पर ही रह गई है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कर्नाटक के आगामी चुनाव में पार्टी को मुश्किल हो सकती है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही राज्य से खबरें आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डी शिवकुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता कांग्रेस के चुनाव जीतने की स्थिति में सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। कर्नाटक कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के समर्थक भी अपने अपने नेताओं के पक्ष में लामबंद हो रहे थे। याद रहे पंजाब में भी राहुल के पहुंचने के बावजूद पार्टी में आंतरिक कलह जारी थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तनाव की खबरें अलाकमान को परेशान करती रही। चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद लगा कि दोनों के बीच तनातनी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सिद्धू की बेटी रबिया ने चन्नी को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने सीएम उम्मीदवारी को लेकर कहा, शायद आलाकमान की कोई मजबूरी रही होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप ईमानदार व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को कई शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इनमें कई ऐसे प्लान भी है जो 1 साल तक चलते हैं। यह हम आपको रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कुछ बेस्ट एनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको रोज 2.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेंगी। खास बात है कि इनमें से 2 कंपनियां यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज 75 GB एक्स्ट्रा डेटा भी दे रही है। साथ ही इन प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जियो का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इनमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2.5 GB के हिसाब से टोटल 912.5 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान के साथ आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज 75 GB एडिशनल डेटा भी मिलेगा। एयरटेल का यह प्लान 365 दिन तक चलता है। इसमें कंपनी डेली 2.5 GB डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। रोज 100 फ्री SMS बेनिफिट के साथ आने वाले एयरटेल के लिए एनुअल प्लान में आपको 1 साल के लिए डिज्नी हॉटस्टार मोबाइल का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान के सब्सक्राइबर को कंपनी फास्टैग की खरीद पर ₹100 का कैशबैक भी दे रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दहलाने वाली घटना सामने आई है। गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक लड़कियों की मां ने कहा कि 3 आरोपियों ने लड़कियों को घर से निकाला, घसीटते हुए ले गए, लड़कियों से रेप किया, फिर मारकर पेड़ से लटका दिया। घटना निघासन थाना क्षेत्र के तमोलीन गांव की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छोटू को हिरासत में ले लिया था। उसकी निशानदेही पर अन्य 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की गई है। पुलिस ने इस कांड को छोटू पुत्र चेताराम गौतम के अलावा 5 अन्य लड़कों को गिरफ्तारी की है। इनमें जुनेद पुत्र इजराइल, सुहेल पुत्र इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान पुत्र अजीजपुर रहमान, करीमुद्दीन पुत्र
कलीमुद्दीन आरिफ उर्फ छोटे पुत्र अहमद हुसैन शामिल है। एसपी ने कहा कि छोटू ने ही इन तीनों का लड़कियों से परिचय करवाया था। कल तीनों लड़के गांव में आए थे। लड़कियों के साथ ले जाकर उनकी इच्छा के विरुद्ध जुनैद और सुहेल ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लड़कियां शादी के लिए अड़ गई। इस बात से नाराज होकर उन्होंने दोनों लड़कियों की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने दो और लड़कों को बुलाकर उनकी मदद से महिला को पेड़ पर लटका दिया। एक अमेरिकी दिग्गज बिजनेसमैन ने अपनी 50 साल पुरानी कंपनी दान कर दी और कहा कि धरती खतरे में है, इसे बचाओ। तो WHO के महानिदेशक ने कहा कि दुनिया कभी भी COVID-19 को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में नहीं रही, लेकिन अब कोरोना का अंत दिख रहा है। वहीं यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने कहा कि रूस ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ भी जंग छेड़ रखा है, लेकिन अंततः रूस के राष्ट्रपति की हार होगी और यूरोप जीत जाएगा। तो उधर संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत ने जोर टूक कहा कि दुनिया के आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्क का मानवाधिकार पर बोलने से ज्यादा बड़ा छलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसी बीच 25 साल बाद प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी साथ साथ दिखाई दिए। ऐसा दृश्य 25 साल पहले 1997 में दिखा था, जब 15 और 12 साल की उम्र में विलियम और हैरी ने अपनी माँ डायना के ताबूत को कंधा दिया था। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक अमेरिकी दिग्गज बिजनेसमैन ने अपनी 50 साल पुरानी कंपनी दान कर दी और कहा कि धरती खतरे में है, इसे बचाओ। कपड़ों की अमेरिकी रिटेलर कंपनी पेटागोनिया के संस्थापक यवोन चोनार्ट ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास के लिए लगभग 50 साल पहले शुरू किए गए अपने पूरे व्यवसाय को दान देने का फैसला किया है। चोनार्ट के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 वयस्क बच्चों ने परिधान कंपनी में अपनी साड़ी को दान करने का ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पेटागोनिया कंपनी की कीमत लगभग $3 बिलियन है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक कंपनी के सभी कॉरपोरेट राजस्व को जलवायु संकट से निपटने, जैव विविधता की रक्षा करने और जंगली भूमि की रक्षा के लिए काम करने वाली पहल और समूहों को दान किया जाएगा। चोनार्ट द्वारा लिखे एक पत्र को पेटागोनिया की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। लिखा है कि खतरे में चल रहे इस फलते फूलते ग्रह की कोई उम्मीद अगर हमारे पास है और हमारे पास संसाधन है, तो हम सभी को वो करना होगा जो हम कर सकते हैं, और यही हम कर सकते हैं। हम पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें इस संकट से लड़ने में अधिक पैसा लगाने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। हमारे पास एक विकल्प पेटागोनिया को बेचना और दान करना था। वही कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि वर्तमान कारोबार $100 मिलियन के बराबर है और अब हर साल ये पूरी राशि दान की जाएगी। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ए घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया कभी भी COVID-19 को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में नहीं रही, लेकिन अब कोरोना का अंत दिख रहा है। उन्होंने कोरोना के संबंध में लड़ाई को मैराथन रनर के प्रयास से तुलना की और कहा कि ये अब फिनिश लाइन के करीब है। डॉक्टर घेब्रेयेसस ने कहा कि अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हम लाइन पार करें और अपनी कड़ी मेहनत का इनाम पाएं। महामारी पर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में मौतों में 22% की गिरावट आई है, जो दुनिया भर में केवल 11,000 से अधिक है। दुनिया में 31 लाख नए मामले सामने आए, ये कुल मामलों में 28% की गिरावट है। दुनिया के हर हिस्से में बीमारी के एक हफ्ते तक गिरावट जारी है। इसके बावजूद WHO ने चेतावनी दी कि कोविड टेस्ट और निगरानी में ढिलाई का मतलब है कि कई मामले सामने नहीं आ रहे। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी ने COVID-19 के सर्दियों में अपेक्षित बढ़ोतरी को देखते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए सरकारों के लिए नीतिगत ब्रीफ का एक सेट जारी किया। इसमें चेतावनी दी गई है कि नए वेरिएंट अभी तक की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। अगर हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो हमें कोरोना के अधिक वेरिएंट, अधिक मौत और अधिक अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और तब पिछले दिनों को याद मात्र करने से राहत नहीं मिलेगी। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने यूक्रेन जंग से यूरोपीय देशों में उत्पन्न ऊर्जा आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि रूस ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ भी जंग छेड़ रखा है। इस जंग के कारण कई यूरोपीय देशों में ऊर्जा और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन अंततः रूस के राष्ट्रपति की हार होगी और यूरोप जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, मूल्यों और भविष्य के खिलाफ एक युद्ध है। उन्होंने चीन को भी निशाने पर लिया और कहा कि एक तरफ चीन ग्लोबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित किए हुए है, और वही दूसरी तरफ रूस हमारे ऊर्जा बाजार में सक्रिय रूप से हेरफेर करता रहता है। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती ही जा रही है।
विश्व में इसी बात को लेकर चिंता है कि अगर यूक्रेन में ऐसे ही युद्ध चलता रहा और वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनातनी ऐसे ही चलती रही तो विकासशील देशों की स्थिति क्या होगी। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसकी गैस की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की तो मॉस्को पश्चिमी देशों को ऊर्जा निर्यात में पूरी तरह से कटौती कर देगा। रूसी राष्ट्रपति के इस धमकी के बाद अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ऊर्जा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये रूस की निरंकुशता का बयान करता है, मगर साहस और एकजुटता के आगे रूस असफल होगा और जीत यूरोप की होगी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के प्रथम सचिव पवन बाधे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दुनिया के आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क जिस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबंधित आतंकी रहते हो उस देश का मानवाधिकार पर बोलने से ज्यादा बड़ा छलावा कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में अतीत में खुले तौर पर आतंकी समूहों को बयान और उन्हें भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की बात कही है। ऐसे मुल्क का मानवाधिकार पर बात करना छलावा नहीं तो और क्या है। पवन बाधे ने कहा कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को खत्म करे। मानवाधिकार में उसका सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि वो आतंक की फैक्ट्री चलाना बंद कर दे। बता दे कि पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उसने एक चिट्ठी के जरिए दावा किया है कि आतंकी मसूद अजहर अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को लेकर तालिबान ने कड़ी नाराजगी जताई है। तालिबान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी ने कहा है कि सरकार ऐसी सभी रिपोर्ट्स को खारिज करती है जिसमें कहा गया है कि मसूद अजहर ने अफगानिस्तान में शरण लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान सभी पक्षों से बिना किसी सबूत के इस तरह के दावे न करने की अपील करता है क्योंकि इस तरह की बातें द्विपक्षीय संबंधों को खराब करती है। प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी फिर से साथ साथ दिखाई दिए। बीते शनिवार अपनी दादी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दोनों भाई रानी एलिजाबेथ ताबूत के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। ऐसा दृश्य 25 साल पहले 1997 में दिखा था जब 15 और 12 साल की उम्र में विलियम और हैरी ने अपनी माँ डायना के ताबूत को कंधा दिया था। दोनों भाई के संबंध हाल के वर्षों में तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन ताज़ा दृश्य कुछ संकेत कर रहा है। बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल तक एक जुलूस में भाग ले रहे थे। उनके सामने दिवंगत रानी के अन्य बच्चों के साथ उनके पिता किंग चार्ल्स थे। चार्ल्स की पत्नी कैमिला, विलियम की पत्नी कैट और हैरी की पत्नी मेगन ने कार से हॉल तक की यात्रा की। इससे पहले प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन और प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैट के साथ विंडसर कैसल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। दोनों दंपति इस दौरान काले कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। एक समय द फैब फोर के रूप में मशहूर ये चौकड़ी अधिक समय तक साथ नहीं रह सके। प्रिंस हैरी और विलियम दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2020 के शुरुआती दिनों में हैरी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके भाई प्रिंस विलियम और उनका रास्ता अलग अलग है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि वो शाही परिवार को छोड़ रहे हैं। प्रिंस हैरी मेगन के साथ रहने अमरीका चले गए जहाँ उन्होंने कई बार शाही परिवार की निंदा की, शाही परिवार पर नस्ल भेद का आरोप भी लगाया। तो बीकेबी न्यूज के आज की इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।